नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में चौथा टेस्ट मैच खेलना है। इस मैच को लेकर काफी विवाद हो चुका है। पहले भारतीय टीम के यहां आने पर विवाद था कि टीम को नियमों में छूट नहीं मिली तो वो ब्रिस्बेन नहीं जाएगी, और अब होटल में ठहरने के बाद व्यवस्था को लेकर विवाद हो गया है। मंगलवार को ये बात सामने आई कि टीम इंडिया के साथ होटल में कोई भी नहीं होगा, खिलाड़ियों को बाथरूम तक खुद साफ करना होगा। भारतीय टीम की तरफ से ये बात सामने निकल कर आई है कि टीम के स्वागत के लिए तो छोड़िए, देखभाल के लिए भी होटल में कोई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और आखिरी टेस्ट के लिए ब्रिस्बेन पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम को मंगलवार को ऐसे होटल में ठहराया गया जिसमें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थीं, और इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों को दखल देना पड़ा। समझा जाता है कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सचिव जय शाह ने शिकायत मिलने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों से संपर्क किया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि भारतीय टीम को वहां कोई परेशानी नहीं होगी। बोर्ड के एक सीनियर सूत्र ने बताया कि होटल के रूम सर्विस या हाउसकीपिंग भी नहीं है, जिम भी इंटरनेशनल स्तर का नहीं है और स्विमिंग पूल में भी नहीं जा सकते। उनसे चेक इन के समय इन सभी सुविधाओं का वादा किया गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। वहाँ कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों और न्यू साउथ वेल्स के साथ सीमा पर लॉकडाउन के साथ होटल में क्वारंटीन के कड़े नियम हैं। ये पूछने पर कि क्या खिलाड़ियों को आपस में मिलने की अनुमति है, सूत्र ने कहा कि हाँ, उन्हें एक टीम रूम दिया गया है और होटल के भीतर वे एक दूसरे से मिल सकते हैं। ये पूछने पर कि क्या टीम ने होटल अधिकारियों के सामने विरोध जताया है, सूत्र ने कहा कि जब मैनेजर की शिकायतों से अवगत कराया गया तो उसने कहा कि दोनों टीमों के लिए समान नियम है, सिर्फ एक टीम के लिए क्वारंटाइन के कड़े नियम नहीं हैं। भारतीय टीम ने उम्मीद जताई है कि गांगुली और शाह इस मामले का समाधान निकालेंगे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पर इंडिया।